सत श्री अकाल। टॉप 20 खबरों के इस बुलेटिन में अरमन बाजवा देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत करती हैं। बुलेटिन का आगाज कर लें। पंजाब के सबका मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए जाने की चर्चा जोरों पर सी। सूत्रों मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह राजपाल बनाए जाने का हुक्म जारी कर दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह राजपाल भगत सिंह कोशियारी की थान महाराष्ट्र का अगला राजपाल बना दिया गया। दस दिए कि कोशियारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि वह अपना अहुदा छड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मानयोग प्रधानमंत्री की हाल ही की मुंबई फेरी दौरान उन्होंने सारिया राजनीतिक जिम्मेवारियों तो मुक्त हो अपनी बाकी की जिंदगी पढ़न लिखन होर गतिविधियों में बिताने की उन्होंने अपनी इच्छा प्रगटाई है। इस अलावा 29 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पटियाला रैली भी सी जो हुण रद्द हो गई है। हालांकि रैली दी तैयारियां पूरी हो गई सन ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस विच अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करना सी पर अचानक इस नूं रद्द करना पिया। इस कारण कैप्टन ते भाजपा विचकार कुछ नवे ते चर्चा हुई है। जिक्र खास है कि इस तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह का पश्चिमी बंगाल के उपराजपाल वजों भी नाम सामने आया सी, परंतु बाद विच भाजपा ने जगदीश धनखड़ नूं इस अहुदे ते विराजमान कर दिता सी। पंजाब सरकार दे वल्लों सूबे दे विच किसी भी तरह का भ्रिष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह कहना है पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का। इस तहत पंजाब दे सारे मंत्री वक्त-वक्त मौकियां ते अपने अपने विभागों के वक्त-वक्त दफ्तरों की चैकिंग भी कर रहे हैं। इस लड़ी तहत पंजाब दे खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीथेर वालों मोहाली के फेज 9 विच खेड कंपलैक्स दे विच पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की मैस की अचनचे चैकिंग की गई। इस दौरान पंजाब के खेड मंत्री ने खिडारियों को परोसे जाने वाले घटिया किस्म के खाने का गंभीर नोटिस लिया। मीथिया ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार वालों खिडारियों की सेहत और उन्होंने डाइट नाल कोई भी समझौता नहीं। राजस्थान के भरतपुर में भारतीय फौज का एक लड़ाकू जहाज हादसाग्रस्त हो गया। शनिवार सवेरे भरतपुर के सेवर थाना खेतर के नगला वीजा च लड़ाकू जहाज क्रैश हो गया। जिवें ही लड़ाकू जहाज क्रैश होया उस विच धमाके दे नाल नाल अग लग गई। यह लड़ाकू जहाज एक पिंड नेड़े खाली जमीन विच क्रैश हो गया। जहाज हादसे की सूचना मिलते ही सारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मौके पर पिंड वासियों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। यह लड़ाकू जहाज ने कितों उड़ान भरी सी ते कित्थे जाना सी फिलहाल इस बारे कोई जानकारी पता नहीं लग पाई है। केंद्र ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया है कि वॉइस न्यूज़ के अमरीकी पत्रकार अंगद सिंह को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक होने के बावजूद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बैच ने 7 दिसंबर 2022 को केंद्र सरकार को निर्देश दिया सी कि अंगद सिंह वालों पिछले साल अगस्त में दिल्ली तो न्यूयॉर्क हवाले किए जाने कारण दायर मुकदमे में जवाब दाखिल किया गया सी। इस नूं विशेष परमिट देने तो इनकार करन नूं भी चुनौती दी गई है। दस दईए कि अंगद सिंह नूं पिछले साल अगस्त महीने दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने ते तुरंत बाद न्यूयॉर्क लई वापस भेज दिता गया सी। अंगद सिंह की माता गुरमीत कौर ने दावा किया सी कि उसनूं अमरीका वापस भेजे जाने का कोई कारण भी नहीं दसया गया सी। इस महीने के शुरू में मैमफिस में टाय निकोलस को कुटन की अमरीकी पुलिस दिया शुक्रवार को भयानक वीडियो फुटेज जारी होने तो बाद अमरीका के शहरों में विरोध प्रदर्शन भड़क सकते हैं। पुलिस वालों की गई इस कुटमार में निकोलस की मौत हो गई सी। मैमफिस शहर ने शुक्रवार को 4 वीडियो जारी की ने जिस विच पुलिस अफसर 29 साल गैर गोरे व्यक्ति निकोलस को लत्त मारते और कुड़ते हुए दिखाया गया। उते ही टाय निकोलस की मौत के मामले में 5 अफसर के कतल का दोष भी लगाया गया। होशियारपुर शहर लिए बेहद मान वाली गल है कि होशियारपुर की प्रतिष्ठा देवेश्वर ने गणतंत्र दिवस के मौके यूके की संसद में आयोजित एक शानदार समागम दौरान इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठा के नाल सम्मान पाने वाली होर भारतीय शख्सियतों में राज्यसभा संसद मैंबर राघव चड्ढा, फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा आदि शामिल है। 23 साल प्रतिष्ठा यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अजकल यूनाइटेड नेशंस के नाल काम कर रही है। यूके संसद में एक प्रभावशाली संबोधन दौरान प्रतिष्ठा बड़े ही आत्मविश्वास नाल विश्व भर दियां हस्तियां सामने रूबरू हुई। दस दईए कि शरीरिक तौर पर असमर्थ प्रतिष्ठा व्हीलचेयर से ही अपने सेवावां नूं अंजाम देती है। इस तों इलावा प्रतिष्ठा का ऑक्सफोर्ड ग्लोबल लीडरशिप इनिशिएटिव लई भी चोन हुई है। अमृतसर गुरदासपुर नैशनल हाईवे बटाला बाईपास से अज सवेरे हुए सड़क हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप में जख्मी हो गए। यह हादसा बजरी नाल परे ट्रक और मोटरसाइकिल में होया।
उथे मौके से हाईवे पुलिस पार्टी वालों जख्मियों इलाज लिए हस्पताल भेजा गया, जबकि मौके से पुलिस वालों ट्रक न भी कब्जे में लिया गया, ट्रक ड्राइवर भी हिरासत में लैके कानूनी कार्रवाई आरंभ दी गई है। राजस्थान के चूरू जिले में एक भयानक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत होने की खबर है। यह हादसा विआह तो बाद पहली बार सोहरे घर जा रहे दो सके भरावां नाल वापरिया। हादसे में दोहां लाड़ियां दे तीन जीजियां ते एक चचेरे भरा की मौत होने की खबर है। हादसे में दोवें लाड़ियां समेत चार लोग जख्मी हो गए। हादसे तो बाद मृतकों के परिवार वालों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने लाशों को स्थानक हस्पताल के मुर्दा घर भेजा है। हादसे कारण विआह दी खुशियां मातम विच। थाना सदर अधीन पैंदे पिंड देसू माजा विच पीजी विच रहिंदी एक कुड़ी दी चक्की हालत विच लाश बरामद हो गई। इस दी सूचना मिलते ही घटना वाली थां ते इस दे आसपास लोकां विच दहशत फैल गई है। पुलिस भी मौके ते पहुंच गई। मौत दा कारण खुदकुशी सी जां कतल, इस दा पता लाउण दी पुलिस वल्लों कोशिश कीती जा रही है। भारत ने मध्य प्रदेश के कूनो नैशनल पार्क में 12 चीतियां तब्दील करने लिए दक्षिणी अफ्रीका नाल एक समझौते के हस्ताक्षर किए ने। अधिकारी ने दसाया कि समझौते से पिछले हफ्ते हस्ताक्षर किए गए सन। 7 नर और 5 मादा चीतियां 15 फरवरी तक कूनो पहुंचने की उम्मीद है। दक्षिणी अफ्रीका के वातावरण विभाग ने एक बयान में कहा है कि एक दहाके तक हर साल 12-12 चीते भेजने की योजना है। भारत ने सारी रस्में पूरी। बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर की एक वीडियो सोशल मीडिया से तेजी नाल वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वह एक प्रशंसक का मोबाइल फोन सुट रहा है। यह सारा मामला कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो को देखने तो बाद सोशल मीडिया से ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल मामला यह है कि एक फैन रणबीर कपूर नाल सैल्फी लैन की कोशिश कर रहा है। फैन बार बार सैल्फी लैन की कोशिश कर रहा है तो इस तो बाद देखा जा सकता है कि रणबीर कपूर काफ़ी तेजी नाल गुस्से में आ गए। रणबीर कपूर ने फैन का मोबाइल फड़ के गुस्से में सुट दिता। वीडियो में देखा जा सकता है कि किमें एक फैन रणबीर कपूर को आता है तो सैल्फी लैन की कोशिश करता है। सैल्फी लैन के समय रणबीर मुस्कुराते हुए पोज देते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि फैन बार बार सैल्फी ले रहे हैं, रणबीर की हर बार पोज दे रहे हैं। अखीर में रणबीर कपूर गुस्से में आ जाते हैं तो मोबाइल फोन को फैन तो दूर सुट देते हैं। फिलहाल रणबीर कपूर की इस वीडियो के वायरल होने बाद लोग रणबीर कपूर को माड़ा चंगा भी बोल रहे हैं। WWE दे स्टार रेसलर गोल्डबर्ग ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज से एक रील साझी की है। इस रील में गोल्डबर्ग किसी दूजे रेसलर को कुड़ते नजर आ रहे हैं। मजेदार गल यह है कि इस रील के बैकग्राउंड में सिद्धू मूसेवाला का मशहूर गीत जी वैगन सुनाई दे रहा है। हालांकि गोल्डबर्ग ने यह रील सिद्धू मूसेवाला के गीत कारण साझी की है, जो सिर्फ अनजाने में साझी की गई। इस बारे फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उंज भी सितारों वालों अपने फैंस वालों बनाई गई वीडियोज़ को अक्सर ही सोशल मीडिया से साझा किया जाता रहता है। पटियाला की सेंट्रल जेल में सजा काट रहे दविंदर सिंह नामक नौजवान की रस्में मौत होने का मामला सामने आया है। परिवारिक मैंबर ने दसाया कि दविंदर सिंह नू जिस समय पटियाला के सरकारी रजिंद्रा हस्पताल में दाखिल कराया गया, इस बारे किसी नू कोई जानकारी नहीं दी गई। 1 जनवरी नू पुलिस वालों दविंदर सिंह नू गिरफ्तार किया गया सी। केस पाया गया सी कि वह नशे दियां गोलियां बेचता है। जदों तक वह पटियाला के सरकारी रजिंद्रा हस्पताल में पहुंचे उस समय तक दविंदर सिंह की मौत हो चुकी सी। पोस्टमार्टम तो बाद मौत के असल कारण का पता लग सकेगा। मरीनकोटला पुलिस ने अज वध भार वाले पुलिस अधिकारियों नू तंदुरुस्ती अते चंगी सेहत बनाए रखने लिए प्रेरित करने लिए एक 11 किलोमीटर फिटनेस रोड मार्च कढ़िया सी, जिसकी अगुवाई SSP मरीनकोटला वालों की गई। पंजाब दियां जेलां अक्सर ही चर्चा विच बनिया रहिंदियां ने। कदे जेलां दे विच मोबाइल बरामद हुंदे ने ते कदे नशीलियां वस्तुआं बरामद हुंदियां ने। हुण एक बार फिर तो बठिंडा दी केंद्रीय जेल सुरखियां विच आ गई है। एक बार फिर तो बठिंडा जेल सवालों के घेरे में घिर गई है। दरअसल हुण बठिंडा दी केंद्रीय जेल दे विच दो गुटां विचाले झड़प होण दा मामला सामने आया। इस झड़प तो बाद पुलिस ने वल्लों 13 हवालातियां दे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। सिद्धू मूसेवाला के यूट्यूब चैनल ने अज वड्डा रिकॉर्ड बनाया। सिद्धू मूसेवाला का यूट्यूब चैनल भारत का सब तो वध सबसक्राइब्स वाला आजाद कलाकार का चैनल बन गया है। सिद्धू मूसेवाला ने इस मामले च रैपर एमी वे बंटाई नूं पछाड़ दिता है। दस दिए कि यूट्यूब से सिद्धू मूसेवाला के 1,88,31,000 सबसक्राइबर सन। उत्थे एमी वे बंटाई के 1,88,24,000 सबसक्राइबर सन। जम्मू कश्मीर की सबका मुख्यमंत्री पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रधान महबूबा मुफ्ती अनंतनाग जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में सबका मुख्यमंत्री दी इल्तिजा मुफ्ती भी शामिल हुई। सीनियर कांग्रेसी आगू राहुल गांधी के नाल
चले। अधिकार ने दस्सिया कि यात्रा के रस्ते विच सुरक्षा के सख्त प्रबंध किए गए सन। उधर कश्मीर के ADGP विजय कुमार ने कहा कि असी 3 पदरी सुरक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए ने, भारत जोड़ो यात्रा सुचारू ढंग से चल रही है, ट्रैफिक नूं भी डायवर्ट कर दिया गया है, कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया विखे पछमी सिडनी विच सैकड़े जेल अधिकारी अपनी सुरक्षा नूं लैके वधदियां चिंतावां नूं लैके हड़ताल ते ने। पार्कले सुधार केंद्र दे गार्डां ने 48 घंटे की कार्रवाई शुरू कर दी है ते 48 अधिकारी योजना मुताबिक हड़ताल ते जाणगे। कम्युनिटी एंड पब्लिक सैक्टर यूनियन का दावा है कि राज विच जेल अधिकारियों ते गंभीर हमलों लई पार्कले जेल का सब तो खराब रिकॉर्ड है। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारतीय अमरीकी पुलाड़ यात्री राजा जिचारी नूं हवाई फौज के ब्रिगेडियर जनरल के ग्रेड विच नियुक्त करने लई नामजद किया है। अमरीकी रक्षा विभाग के अनुसार बाइडन ने वीरवार नूं एयरफोर्स के कर्नल चारी नूं एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल के ग्रेड लई नियुक्त करने लई नामजद किया। उन्हां दी नामजदगी नूं सैनेट की मंजूरी की लोड़ होगी, जो सारियां प्रमुख नागरिक अते फौजी नियुक्तियां नूं मंजूरी दिंदी है। सो टॉप 20 खबरों के इस बुलेटिन च इन्ना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों की जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल। चंडीगढ़ टाइम टीवी ते धन्नवाद।